नमस्कार। क्या है वास्तु? वास्तु लोग करवा भी लेते हैं और फिर भी उनके घर से प्रॉब्लम्स नहीं जाती, तो उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है कि वो वास्तु में घर को तो बैलेंस कर लेते हैं, या इधर किचन होनी चाहिए, इधर बेडरूम होना चाहिए, ये सब तो कर लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसके बिना जो घर की छोटी छोटी चीज है वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे असर डालती है। अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो रहे हैं बार बार, या फिर आपने स्टॉक रखा हुआ है कि ये वाला सामान कभी फिर काम आ जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक है और है भी खराब, तो आपके घर में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी, जैसे कि आपके काम नहीं बन पाएंगे, चलते हुए काम का रुक जाना, ये एक बहुत बड़ी वजह है घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान का बंद पड़े होना। और दूसरा, जैसे कि लोगों के घरों में आप देखोगे कि टूटे हुए बर्तन रखे होते हैं, या कहीं पे दरार आ गई है, कीमती है, लेकिन वो फिर भी संभाल के रख लेते हैं कि नहीं, इसको फेंकना नहीं है, फिर कभी काम आ जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि अगर आपके घर में टूटे हुए कांच या टूटे हुए या दरार पड़े हुए बर्तन है, तो वो आपके रिश्तों में भी दरार डाल सकते हैं। जो दीवार में दरारें होती हैं वो भी आपके रिश्तों को हार्म करती हैं, आपके घर में कलह क्लेश रहना शुरू हो जाता है। और यही आपके घर के दरवाजे में अगर चूं चूं की आवाज आती है, तो वो भी एक अशांति का बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए कभी भी घर के दरवाजों को ऐसा नहीं रखना चाहिए कि उनमें आवाज आए। कभी भी घर उनमें तेल लगा के रखिए, घर के जो पंखे हैं उनमें आवाज आ रही होती है, चलते हुए कर्कश सी आवाज होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में अशांति पैदा करती है। और जैसे घर में लोगों ने हिंसक जानवरों के दृश्य लगाए होते हैं, या फिर टेडी बियर ही होते हैं, लॉयन रख लिया, एलिफेंट रख लिया, कुछ ऐसे आजकल ट्रेंड में हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं और आपके घर में कलह क्लेश करवाते हैं और शांति नहीं बना पाते। जैसे युद्ध के चित्र लगा लेते हैं, या आजकल हथियार रखने का भी फैशन है कि घर में हथियार रखो, तो वो भी कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ों का कारण बनता है। और जैसे कि मिट्टी के बर्तन है, लोग बहुत लंबे टाइम तक मिट्टी के बर्तन अपने घर में रख लेते हैं या मटके रख लेते हैं, तो वो भी आपको आपदाओं को या आपकी लाइफ में चिंताओं को आमंत्रित करता है। और यहाँ तक कि जैसे अगर आपकी जो सीढ़ियां हैं वो इनबैलेंस है, जैसे कोई छोटी है कोई बड़ी है, तो वो भी आपके नी पेन या ज्वाइंट पेन देती है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजों को अगर आप देख के चलते हो कि ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या इनको सही करवा के रखें, या कबाड़ है घर में उसको निकाल के रखें, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप ध्यान में रख के और इनको अपनी लाइफ से रिमूव करके अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाते हो और खुश रह पाते हो। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। नमस्कार।